गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। मध्य प्रदेश के सागर में उस वक्त भीषण हादसा हो गया जब 5 जवानों से सवार 100 डायल बुरी तरह पलट गई, जिसमें सवार 5 जवान घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। इसमें एक पेच भी होना बताया गया है। क्या कहानी है हम आपको सुनाई देते हैं। असल में सागर जिले की राहतगढ़ पुलिस को विदिशा जिले की त्योंदा थाना पुलिस ने खबर दी थी कि विदिशा से सागर की तरफ एक वाहन जिसमें गोवंश बिकने आ रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि 100 डायल उसका पीछा कर रही है, लेकिन अचानक राहतगढ़ इलाके के चंद्रापुरा गांव में यह 100 डायल पलट गई, जिसमें सवार 5 जवान घायल हो गए। इस वाहन में एक पवन नाम का शख्स भी बैठा था, जिसको लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। त्योंदा में डायल 100 को कोई आरोपियों के जाने की सूचना मिली थी, इस पर से वो रवाना हुई और मार्ग में एक्सीडेंट हो गया और हमारे जो पुलिस बल था वो घायल हो गए हैं। तो रात्रि में DSP CAW गश्त में थी, उनके द्वारा अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत का हाल जाना गया और साथ ही घटना के संबंध में पूछताछ की गई। तो बता रहे थे कि कोई सामने से गाड़ी आई थी, उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी पलट गई। प्रकरण में जांच DSP मैडम को दी गई है और जो जांच में तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी और चीज की तस्करी की भी बदबू आ रही है। बजाय इस इलाके में राहतगढ़ पुलिस को गोवंश से भरा कोई वाहन न तो मिला है, न टकराया है, न ही आजू बाजू इलाके में कहीं घुसा है। बहरहाल पुलिस इस कदर पीछा कर रही थी कि बीती रात उसकी 100 डायल पलट गई। सभी घायलों को विदिशा जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रात को इस सड़क से कई प्रकार के ऐसे वाहन निकलते हैं जहां तस्करी की खबर है। सागर और विदिशा पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।